नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं बिहार सरकार के उस विभाग का जिस विभाग को लोग वन विभाग कहते हैं, और शायद सरकार ने वन विभाग का गठन इसीलिए किया होगा कि जो वन से संबंधित, जो जंगल से, जो प्राकृतिक संपदा से संबंधित चीज़ें हैं उनको बचाया जा सके, पर्यावरण को तंदुरुस्त रखा जा सके और लोगों के स्वास्थ्य, ऑक्सीजन ये भी मिले और साथ ही बहुमूल्य जो लकड़ियां होती हैं उसको बचाया जा सके। ऐसे में आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर देख करके आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाना होगा कि अधिकारी के पास अगर यहाँ की आवाम चली गई तो उसका सिर्फ हड्डी बच जाता है, बाद बाकी पॉकेट का पैसा तो छोड़ दीजिए, शरीर का मांस चमड़ा तक उधेर लेते हैं ये लोग। तो जनता को भी जहां मौका मिलता है वहीं जनता भी लूट खसोट में लग जाती है। उसके हाथ में आया मिट्टी, मिट्टी आया तो मिट्टी को देखिए कि किस तरीके से काट लिया गया है। ये देखिए कितना ऊंचा पेड़ है ये सागवान का, और उसकी जड़ें अब निकल गई है जो संभवतः एक बरसात में, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए झड़ जा रहा है। ये स्थिति अब पेड़ों की हो गई है। लोग को जहां मिलता है लोग लूटने में लगे हैं, अधिकारी को जहां मिलता है अधिकारी लूटने में लगे हैं। ये देखिए ये पेड़ है और ये करोड़ों का पेड़ है। किसी ने कहा कि ये वन विभाग का है। हाय रे वन विभाग बेगूसराय, आप इसी रास्ते से जाते हैं मनरेगा में कमीशन उठाने के लिए। कोई पेड़ अगर मनरेगा के कर्मचारियों के द्वारा काट लिया जाता है इंटरनेट वगैरह नहीं चलने के का वजह बता करके, तो उस पेड़ की राशि को फरियाने के लिए वन विभाग के अधिकारी इसी रास्ते से साहेबपुर कमाल पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके आँख में शायद मोतियाबिंद है, उनको दिखाई नहीं पड़ता ये चीज़। ये आप देखिए कि पेड़ अगर थोड़ा सा हवा का झोंका हो जाए, बारिश हो जाए तो क्या अब यह पेड़ बच सकेगा? सरकार जहां चारों तरफ प्रचार प्रसार में लगी हुई है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है कि पर्यावरण को संतुलित बनाएंगे, पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे, पेड़ लगाएंगे, हरियाली लाएंगे, एक पेड़ सौ पुत्र समान का नारा देती है, वहीं इन वन विभाग के कर्मचारियों को देखिए, ये वो वन विभाग है जिसके पास एक चूहा पकड़ने का भी साधन नहीं है, जिसको चूहादान बोलते हैं वो चूहादान भी इस वन विभाग के पास नहीं है। हाल ही में मटिहानी में एक मगरमच्छ कहीं से बाढ़ में आ गया तो जितनी बार मगरमच्छ मुंह फाड़ता था वन विभाग के अधिकारी उतना कदम पीछे भाग जाते थे। ये स्थिति है बेगूसराय के वन विभाग की। और मैं कहता हूँ कि तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि जिलाधिकारी का भी दौरा अगर बलिया के तरफ होता है, साहेबपुर कमाल तरफ का होता है, तो वो भी इसी रास्ते से आते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारियों को इस पेड़ की दुर्दशा दिखाई ही नहीं पड़ती। न जाने कौन सा खाना, आखिर गलत पैसा खाएंगे तो दिखेगा सही चीज कहाँ से? उन्हें तो हर चीज में कमीशन चाहिए, हर चीज में घूस चाहिए, पैसा चाहिए। वो आराम से गद्दी पर गद्दीदार कुर्सियां लगा करके चाय की चुस्की बेगूसराय के कार्यालय में लेते हैं, लेकिन उनमें दम नहीं है, इतना आत्मबल कमजोर हो गया घूस का पैसा खाते खाते, कमीशन का पैसा खाते खाते, कि अब उनको अपना विभाग उनका भाड़ में जाए कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लज्जा आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो अधिकारी इस रास्ते से जाते हैं और ये हरे भरे पेड़ के नीचे से मिट्टी को निकाल लिया गया है। अब ये कुछ दिनों की मेहमान हैं और आम आवाम जो अपना मवेशी भी बांधता था यहाँ, वो अपनी ही करतूत से
यहाँ पे मिट्टी काटने के लिए मुंगेर घाट से लोग नहीं आया होगा और ना ही यहाँ पर बलिया से लोग आए होंगे। ये जगह है साहेपुर कमाल प्रखंड से थोड़ा सा दूर। कोई भी अधिकारी इसी रास्ते से आएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वन विभाग के अधिकारी हो या जिलाधिकारी हो, किन्हीं को दिखाई नहीं पड़ता। हम जिलाधिकारी बेगूसराय से अपील करना चाहते हैं कि क्या पेड़ की यही दशा होनी चाहिए? पेड़ इसी अवस्था में रहने की चीज है? अगर पेड़ इसी अवस्था में रहने की चीज है तो वन विभाग क्यों है? किस लिए उसके अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं? अगर नियुक्त हैं काम करने के लिए तो उनको लेकर के एक बार यहाँ पर तो आते, आप दिखाते उनको कि क्या यही स्थिति है, यही आपकी ड्यूटी है। अरे कितना कमीशन खाएंगे आप? कमीशन खा खा करके आपके बाल बच्चों का संस्कार खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, पैसा लेके क्या कीजिएगा, मर जाइएगा, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। और एक पुत्र सौ, एक पेड़ सौ पुत्र समान का नारा देने वाले लोग, आपको ये दिखाई नहीं देता? ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता आपको? अरे शर्म हया नाम की कोई चीज रह भी गई है या उसको भी कमीशन में कहीं खा गए? जरा आप ही लोग बताइए मित्रों कि क्या यही दशा पेड़ों के साथ होनी चाहिए? आदमी के अंदर का कलेजा खखोड़ करके खा जाने वाले सुशासन बाबू के अधिकारी अब पेड़ों की भी ये दशा बनवा दिए हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता ये सब चीज। आप देखिए कि किस तरीके का गड्ढा कर दिया गया है, किस तरीके से इस चीज को बर्बाद किया जा रहा है। लाखों रुपए इस पर खर्च किए गए होंगे वन विभाग के द्वारा, लेकिन विभाग जहां पैसा खर्च करती है उसको भी देखना मुनासिब नहीं समझती है। नीतीश कुमार जी सुशासन का राग अलापते हैं और अधिकारी उनके जंगल राज लाने में लगे हुए हैं, इसमें कतई अंदेशा नहीं होना चाहिए। ये जान लीजिए कि राजनीतिज्ञ सुशासन की बात करेंगे और अधिकारी जंगल राज लाना चाहेंगे तो आखिर जीतेगा कौन? क्योंकि अब तो खुल करके मंत्री लोग भी कहने लगे हैं कि अधिकारी बात नहीं सुनते। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दीजिए कि क्या पेड़ों की यह दुर्दशा जिन लोगों ने भी किया है और जिन लोगों के उदासीनता के वजह से ऐसा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।